हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ यू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज वीडियो में सीखते हैं टॉलरेंस ऑफ वेट पर मीटर। क्यों जो आपका सरिया होता है 8 mm से आपका 50 mm तक, जो उसका टॉलरेंस होता है तो वो कितना होता है। अगर आपके पास 1 मीटर की लेंथ है, आपको पता है कि उसका डायमीटर फार्मूला होता है 0d² / 162। तो अगर आपके पास 16 mm का डायमीटर है तो उसका होता है 1.58 समथिंग होता है। तो समथिंग हम वेट में कैसे टॉलरेंस निकालते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। ये अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, अगर आपके पास साइट पे एक मंडल का आया, 8 mm का, 8 mm का मंडल आपके पास साइट पे आ गया है, तो उस पर क्या हुआ कि जो वज़न है वो एस्टिमेट बन के आ गया है कि कांटे पे वेट होकर साइट पर आ जाता है। तो आप क्या करते हैं कि आप उसकी लेंथ निकालते हैं, तो डायमीटर से आपका जो फार्मूला होता है उससे निकालते हैं, कैलकुलेशन निकालते हैं। तो वो क्या करते हैं, आप चेक करते हैं कि आपका जो आपने कैलकुलेशन निकाला वो तो वेट आपका आया ज़्यादा, बट जो आपके पास मंडल में वेट आया वो आया है कम। तो उस कंडीशन में आप उसके साथ झगड़ने लग जाओगे। तो वो भी आपको चेक करना चाहिए कि टॉलरेंस कितना होता है, कि आपका एटीएम का सरिया जो है कितने 1 मीटर पे कितना उसका वजन तक हो सकता है कम, ठीक है। अगर आप फार्मूला से निकाल रहे हैं या फिर उसका टॉलरेंस निकाल रहे हैं, तो वीडियो लास्ट से देखते रहिए। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नई वीडियो आपकी अपलोड होगी तो आपको मिलती रहेगी। तो देखते हैं टॉलरेंस। आपके पास है डायमीटर 0 से 10 mm तक, यहाँ पर डायमीटर है 10 से 16 mm तक और 16 से अबव। अगर आपके पास 16 mm का डायमीटर है उससे ज़्यादा है तो उसका टॉलरेंस क्या रहता है वेट पर, परसेंटेज पर मीटर लेंथ पर, तो प्लस माइनस है 7%। ये आपका पर मीटर लेंथ, तो 7% होता है, प्लस माइनस होता है। अगर 10 से 16 mm का ले जाते हैं तो प्लस माइनस 5%, क्लियर। अगर पास 16 mm का डायमीटर और सरिया का है तो उससे ज़्यादा आपके पास डायमीटर है तो वो होता है प्लस माइनस 3%। चलो एग्जांपल देखते हैं इसका। अगर आपके पास है डायमीटर ऑफ द बार का 8 mm का सरिया है, तो लेंथ क्या आपके पास बार की 12 मीटर से 12.20 मीटर तक आपके पास एक मंडल में लेंथ होती है। अगर उसकी फिट की बात करते हो, 40 फिट की उसकी लेंथ होती है, फुल लेंथ, क्लियर। अब देखते हैं वेट ऑफ लेंथ। वेट ऑफ लेंथ के लिए निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, d² / 162। ये क्या फार्मूला होता है, 1 मीटर लेंथ का वजन निकालने के लिए, सिंपल ये फार्मूला, ठीक है। आपके पास ये लेंथ जितनी हो सकती है 1, 2, 3, 4 गुना कर देंगे लेंथ से, तो टोटल वेट निकल जाएगा टोटल लेंथ का। तो फार्मूला क्या कहता है, 8 × 8 / 162। ये क्या हुआ, एक लेंथ के लिए फार्मूला हुआ, इंटू लेंथ कितना आपके पास है 12.20, क्लियर। तो 12.20 से गुना करते हैं, इन तीनों को गुना कर लेते हैं तो आपके पास आ जाता है 4.819 kg या फिर 4.82 kg, क्लियर। ये तो होगा टोटल वेट्स एक बार का। तो नंबर्स ऑफ बार इन मंडल, आपको पता है कि जो एक मंडल में बार होते हैं 18 से 20 नंबर्स होते हैं 8 mm के में। उसके बाद देखते हैं वेट ऑफ वन मंडल, एक मंडल का वेट निकालते हैं। आपको पता है, सपोज कीजिए आपके मंडल में 18 लेंथ आ गई है, तो एक लेंथ का वजन, एक फुल लेंथ कितनी है 12.20, तो ये आपके पास आ गए कितना टोटल लेंथ, ये आपके पास है टोटल, ये नंबर्स ऑफ लेंथ और एक लेंथ का लेंथ लंबाई कितनी है 12.0, तो टोटल मीटर में आ जाएगा। आपके पास मीटर में लेंथ आ गई और 1 मीटर का वजन होता है 0.395 d² / 162 से गुना करते हैं तो 8² / 162 = 0.395, क्लियर। तो 1 मीटर का वजन होता है 0.395 kg। तो इन तीनों को गुना करते हैं, टोटल लेंथ आपके पास और 1 मीटर का वजन है आपके पास, तो दोनों गुना कर देंगे तो आपके पास एक मंडल का वजन निकल जाएगा, क्लियर। अब आपके साइड पे आपने कैलकुलेशन निकालना अपने हैंड से इतना वजन। अब इसका टॉलरेंस चेक करते हैं कि जो हमारा जो स्टैंडर्ड टॉलरेंस होता है स्कोर के अकॉर्डिंग वो कितना परसेंटेज होता है। अगर आपके पास कांटे पर वजन होके आया सरिया का, वो आया है कम, तो वो कितना कम आया है, क्या वो सही है या नहीं है, वो देखना है हमें। अब देखते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब आपका कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है, वजन बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो 18.742 ये आपका टोटल वेट है मंडल का, माइनस कर लेते हैं इसका टॉलरेंस। टॉलरेंस कैसे करेंगे, परसेंटेज से। तो 86.742 ये टोटल वेट है, गुना करते हैं इसका परसेंटेज निकालते हैं, तो 7% क्या था, 7% 0 से 10 mm का परसेंट होता है 7%,
तो 7 से 100 को डिवाइड बाई करते हैं तो इन दोनों को कैलकुलेशन निकालते हैं तो आपके पास आ जाता है 6.07 किलोग्राम। जबकि पास मंडल का वेट है और टॉलरेंस क्या है, ये आपका प्लस भी हो सकता है यहाँ पे एंड ये आपका माइनस भी हो सकता है, ये लिमिट है। इससे नीचे नीचे रहेगा आपका प्लस माइनस, क्लियर। तो इन दोनों को अगर माइनस करते हैं इसमें से, इसमें माइनस करते हैं टॉलरेंस को, तो 80.67 किलोग्राम आता है। अगर हम प्लस करते हैं 86.742, इससे ज़्यादा आपका हो ही नहीं सकता है बिकॉज ये आपका स्टैंडर्ड वेट होता है। अगर इसमें बात करते हैं ये वाला टॉलरेंस की, तो 6.070, तो 22829, तो आपके पास इतना केजी होता है। तो आप चेक कर लेंगे अगर इससे नीचे आता है, अगर इससे एक मंडल में आपने कैलकुलेशन निकाला है इतना टॉलरेंस टॉलरेंट होता है हाईएस्ट, इतना अगर इससे कम आता है, अगर इससे वजन से आपका कम आता है पर्ची पर, जैसे आपने वेट करवाया कांटे पर का वेट करवाया मंडल का, इससे अगर कम आता है तो उस कंडीशन में आप चेक करेंगे कि कहीं आपने कहीं बीच में या फिर कांटे वाले ने गलत तो नहीं कर दिया है वेट, या इससे ज़्यादा आपने उससे ना बढ़ा तो दी नहीं है, ये आपने निकाला फार्मूले से कहीं उसने इससे ज़्यादा बढ़ा तो नहीं दिया वेट, तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम भी नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो चेक कर लेना कि नंबर ऑफ बार काउंटिंग अगर 18 है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें 16 नंबर ऑफ बार आ गई है या फिर 12 बार आ गई है, तो चेक कर लेना कि नंबर ऑफ बार कितनी आ गई है, चेक कर लें कि आपका कांटा सही है या नहीं है, क्लियर। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। डाय ऑफ द बार आपके पास सपोज कि 16 मिलीमीटर का डायमीटर बार है और फुल लेंथ ऑफ बार आपको पता है मंडल की में कितनी होती है, 12 से 12.20 मीटर तक होती है और फीट की बात करते हैं 40 फीट की लेंथ होती है। तो नंबर ऑफ बार इन मंडल 16 mm का बार है, एक मंडल में कितने होते हैं 5 नंबर, क्लियर। तो वेट ऑफ मंडल का वेट कैसे निकल के आएगा, नंबर ऑफ बार कितनी है 5 और एक लेंथ कितने मीटर की है फुल लेंथ, तो 12.20, तो ये आपके पास आ गई टोटल लेंथ मीटर में, क्लियर। और ये आपका आ गया वेट 1 मीटर का, तो 1 मीटर बराबर होता है 1.58 kg, बिकॉज डी स्क्वायर डिवाइड बाय 162 फॉर्मूले से हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो ये आपका पास वेट आएगा 1 मीटर का, तो इन दोनों को गुणा करते हैं तो 96.38 किलोग्राम आपका आता है कैलकुलेशन से, फार्मूला से। अगर आप बात करते हैं टॉलरेंस, इससे कम नहीं कैसे होने नहीं चाहिए, तो टॉलरेंस करते हैं वेट 96.38 आपके पास है कैलकुलेशन वेट, माइनस करते हैं इसका टॉलरेंस, तो 96.38 आपका पास टोटल वेट है। इसकी परसेंटेज निकालते हैं 3% कितना होगा, तो 3 से इसको भाग करते हैं तो 2.89 kg, ये आपका वजन आ गया 3%। तो इस टोटल वेट में से 3% माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाता है 93.49 किलोग्राम। अगर आपके पास कांटे में आए, अगर आपने कांटा करवाया है या फिर आप कांटा कर रहे हैं, तो इस वेट से आपके पास कम नहीं आना चाहिए। अगर इससे कम आता है तो चेक कर लीजिए कहीं कोई बार की लेंथ कम तो नहीं है, अगर 12.20 मीटर होना चाहिए, कहीं कोई लेंथ 12 मीटर या फिर आपके पास 11 मीटर या फिर 10 मीटर की तो नहीं है, और चेक कर ले कहीं आपके पास नंबर ऑफ बार 5 होने चाहिए, 4 तो नहीं रह गए हैं। तो कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं जो मैंने आपसे शेयर किए। तो वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे।